हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6A क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड। और हम आईसीएसई बोर्ड के सरीना पब्लिशर के आर के बंसल राइटर की जो बुक है कंसाइज मैथमेटिक्स, उसको सॉल्व कर रहे हैं। आपका टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, या जिसको हम बोल सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशन को हम आपके जो सिलेबस में तीन मेथड हैं, पहला है आपका 6A एक्सरसाइज, उसी पर डिपेंड है एलिमिनेटिंग वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज के वीडियो में केवल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसे करेंगे, है ना। एक्सरसाइज 6A इसी मेथड्स पर डिपेंड है। चलिए करते हैं। दूसरा मेथड आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा, एलिमिनेशन मेथड वाई इक्विटिंग कोफिशियंट। ये भी एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वहां पर हमें कोफिशियंट सेम करना होता है। और एक और आपके सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ज्यादा ना डिस्कस करके जो आज की वीडियो एक्सरसाइज 6A जिस पर डिपेंड है उसको हम डिस्कस करते हैं। इक्वेशन किससे हमें करना है, एलिमिनेशन वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन किससे करना है, वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पूरी एक्सरसाइज को हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है, वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए करते हैं कैसे होता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहीं आपको हम समझा देंगे कैसे होगा, है ना, वहीं एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8x प्लस 5y इक्वल 9, 3x प्लस 2y इक्वल 4। इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। करते क्या है, देखो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी भी एक इक्वेशन को यूज करते हुए एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड कर लेते हैं। मतलब क्या है, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लो या y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लो, चाहे वो इक्वेशन वन से ले लो चाहे वो इक्वेशन सेकंड से। मैं दोनों तरीके से करूंगा। दोनों तरीके से मतलब मैं x की वैल्यू को y के टर्म में निकाल के दिखाऊंगा पहले एक क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में y को x के टर्म में, किसी क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन को यूज करूंगा, किसी में सेकंड, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन से करता हूं। तो चलिए सॉल्यूशन का, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट ले हमने, क्या दे रखा है 8x। तो 8x को हम क्या लिख सकते हैं, 5y को ट्रांसफर कर दें लेफ्ट से राइट, तो माइनस हो जाता है, तो आप जानते हैं। तो 9 माइनस 5y, हमें x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म में। तो यहां तो 8x है, तो 8 अपॉन में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं ना। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 9 माइनस 5y अपॉन 8। इसको चाहो तो आप नई इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब हमने कौन सी इक्वेशन यूज करी, फर्स्ट। फर्स्ट से हमने x वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लिया वाई के टर्म में। तो जिस इक्वेशन से निकालिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन निकालिए x की वैल्यू, तो इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करना। फर्स्ट में पुट मत कर देना, 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा ना। जिस इक्वेशन से निकालिए, फर्स्ट इक्वेशन से निकालिए वैल्यू, जिसकी भी निकाली हो x की y की, इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट यूज कर ली यहां पर। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, लिखना चाहे लिख लीजिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, वी ऑप्टेन या वी गेट कुछ भी हो। सेकेंड क्या है, 3x, यानी कि 3 इंटू दिस x वैल्यू है। तो 3 और x, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थर्ड इक्वेशन से, 9 माइनस 5y अपॉन 8, ठीक है ना, x वैल्यू। फिर क्या है सेकेंड इक्वेशन, प्लस 2y इक्वल टू 4। तो प्लस 2y इक्वल 4, ओके। अब क्या हुआ इसमें, 2y का मतलब 2y अपॉन 1, 9 क्लास में तो जानते ही आप, चलो मैं लिख ही देता हूं। तो 8 और 1 का एलसीएम 8 आ गया, 3 का डिवाइड, सॉरी 8 का डिवाइड 8 में 1 टाइम जाएगा, और 1 का मल्टीपल करेंगे भी रहेगा, और इसका अंदर मल्टीपल हो जाएगा। 3 9 जा 27 माइनस 3 5 जा 15 वाई प्लस का ये साइन, 1 का डिवाइड 8 में 8 टाइम्स, और 8 का मल्टीपल इसमें होगा 8 2 जा 16, तो ये हो गया 16 वाई इक्वल में जो भी है। तो ये कितना हो गया 27, 16 वाई में से 15 वाई सेपरेट करें तो प्लस के 1 वाई, 1 वाई का मतलब वाई, और 8 का क्रॉस मल्टीपल है ना, हिंदी आता है, 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। 27 को हम लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 32 माइनस 27, और थर्ड क्योंकि प्लस का इधर ट्रांसफर करो नेगेटिव हो जाएगा, 32 में से 27 सब्ट्रैक्ट करा तो y इक्वल टू 5। एक आंसर हमारा आ गया, y की वैल्यू आ गई 5, क्लियर। अब वैसे तो आप y की जो वैल्यू फाइंड हो गई, हमारे पास तीन इक्वेशन है, कौन कौन सी, एक फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, कहीं भी पुट कर दो आंसर आ जाएगा, लेकिन हम
फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को y के टर्म में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर किसी से भी आएगा। यहाँ करने से हम ट्रांसफर फंक्शन कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, x निकलेगा। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट थर्ड सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट थर्ड क्या थी, x इज इक्वल 9 माइनस 5 बाई अपॉन 8, इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो गई 9 माइनस 5 बाई y की वैल्यू 5 है अपॉन 8, तो 9 माइनस 25 अपॉन 8, तो 9 में से 25 सेपरेट करेंगे माइनस 16 अपॉन 8 और 8 से 16 टू टाइम्स कैंसिल, माइनस ये ऑलरेडी है, तो x का आंसर आ गया माइनस 2 और y इक्वल टू 5, तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। तो आंसर क्या हुआ हमारा, x की वैल्यू आई माइनस 2 और y की वैल्यू आई 5। ओके, तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 है 2x माइनस 3y इक्वल 7, 5x प्लस y इक्वल टू 9। मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन डाल दी, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें फर्स्ट इक्वेशन को यूज करी थी, आप कैसी भी यूज करिए है ना, मैं हर तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब मैं सेकंड इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, उसमें हमने x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली थी, यहाँ मैं y की वैल्यू x के टर्म में निकाल के दिखाता हूँ। चलिए तो सॉल्यूशन लो, उसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y इक्वल टू क्या होगा, 5x को हमने ट्रांसफर कर दिया तो 9 माइनस 5x, हमें कब तक लिखना है जब तक सिंगल y ना है, मतलब y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, निकल आया वहां तो हमें 2y 3y होता तो उसका डिवाइड कर देते, तो यही हो गया। अब हमने कौन सी इक्वेशन पुट यूज करी है, सेकंड, तो इस y की वैल्यू को हम सेकंड में ना रख के किस में करेंगे, 1 में पुट करेंगे, तो लिख दो पुट दिस वैल्यू, पुट बोल रहा हूं वैसे क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, इसलिए सब्स्टिट्यूशन में कहता है कि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y और 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने सेकंड से फाइंड करी है, इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, पुट या सब्स्टिट्यूट एक ही बात होती है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। y की वैल्यू हमने पुट करी 2x माइनस 3 इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या है, ये रे 9 माइनस 5x इक्वल में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 7, सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2x माइनस 3 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो माइनस 3 9 27, माइनस माइनस प्लस 3 5 15x इक्वल 7, 2x प्लस 15x कितने हो गए, 2 प्लस 15 17, तो 17x इक्वल क्या हो जाएगा 7, इस माइनस 27 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस के 27, 17x इक्वल टू 27 प्लस 7 होते हैं 34, 17 का डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2, क्योंकि 17 बन जा 72 जा, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो एक आंसर तो निकला आया। अब आप समझिएगा इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 यही, तो डायरेक्ट y निकलाएगा। पुट आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तब भी आंसर आएगा, सेकंड में पुट कर दोगे तब भी आंसर आएगा, इजी कहाँ पड़ेगा, यहाँ केवल x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, है ना। तो पुट दिस वैल्यू इन थर्ड, ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड इक्वेशन थी y, दिखा देता हूं एक बार और, y इक्वल टू 9 माइनस 5x, y इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू x, x की वैल्यू क्या निकल गया 2, तो 9 माइनस 10, 9 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया माइनस 1, तो क्या आंसर हो गया हमारे पास, जो सॉल्यूशन आया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू माइनस 1। एक चीज बताना भूल गया, इक्वेशन के हम आंसर चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे चेक करा देता हूं, x 2 y इक्वल टू माइनस 1, दोनों इक्वेशन पुट करके देखो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, x की वैल्यू 2y थी, 2 2 जब 4, y की वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 और 4 प्लस 3 7, एक ही नहीं दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, देखो 2 5 10 और माइनस 1 9, तो ये हमारा आंसर सही है, आंसर चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं, हमने चेक कर लिया, तो x की वैल्यू 2 और y इक्वल टू माइनस 1। नाउ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 3y इक्वल 8, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, 2x इक्वल टू 2 प्लस 3y सेकंड इक्वेशन,
अब आपको इससे डरने की जरूरत नहीं और खुश होने की जरूरत है कि हमारा थोड़ा काम बच गया कम हो गया, क्योंकि हमें ये तो करते थे एक्स की वैल्यू को टर्म में निकालने तो बस इसमें टू से डिवाइड कर दो डायरेक्ट निकलेगी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है तो हम फर्स्ट की बजाय सेकंड यूज करेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, एक्स इक्वल टू क्या और टू का पॉइंट कर देंगे नीचे। कहना क्या चाह रहा हूँ समझो, क्या करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन से हम एक्स या वाई की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकाल सकते हैं, हम बता चुके पहले है ना। तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x हमें दे रखा है 2 प्लस 3y के, 2 का डिवाइड करें तो x की वैल्यू निकलाई, x की वैल्यू हमने y के टर्म में फाइंड कर ली, x की वैल्यू y के टर्म में क्या हुई 2 प्लस 3y अपॉन 2, इसको डाल दो एक नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने कौन सी इक्वेशन यूज करी है लिखना भूल गया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इस x की वैल्यू को सेकंड में पुट नहीं करेंगे, बस जिससे भी निकालिए दूसरे में पुट करें, वन में पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू शॉर्ट में ले रहा हूं, पुट इन इक्वेशन वन वी गेट, पुट या सब्स्टिट्यूट एक ही बात होती है ना। चलिए वन क्या है 2x, तो 2 इंटू x, x की वैल्यू है 2 प्लस 3y अपॉन 2 प्लस 3y और इक्वल में क्या दे रखा है 8। ओके तो इस 2 से ये 2 कैंसिल होगी 1 बार, और 1 का जब भी मल्टीपल करेंगे किसी के अंदर वही आता है, तो 1 प्लस 3y प्लस 3y इक्वल 8, 3y प्लस 3y कितने हो गए 6y, और 8 2 को ट्रांसफर करा तो माइनस का 2, तो दिख रहा है हाँ स्पेस इतनी है, थोड़ा कम रह गया है, 6y इक्वल टू 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यही लिख दूं 1 बार कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू आ गई 1, नाइन्थ क्लास में आ गए हो इतना तो आप जानते हैं, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को थर्ड में पुट कर देंगे, x निकलाएगा ओरली हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 3, 3 2 5, 5 अपॉन 2 यानी कि 2.5। चलिए पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट थर्ड इक्वेशन ये थी x प्लस 3y अपॉन 2, मैंने लिख दी द्वारा से, y की वैल्यू हमारी आई थी 1, तो 3 इंटू 1 अपॉन 2, 2 प्लस 3 अपॉन 2, 3 प्लस 2 था 5 अपॉन 2, और 2 का डिवाइड 5 में देंगे तो कितना हो गया 2.5। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू है 2.5 एंड y इज 1, है इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है 0.2x प्लस 0.1y इक्वल 25, और दूसरी इक्वेशन लिखे 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1.6y इक्वल 160। अब क्या डर लग रहा है पॉइंट देख के बच्चों को थोड़ा सा डर लग जाता है ना, इसलिए ऐसे ही ओके पॉइंट से डर लग रहा है तो इसका भी तरीका है, पहली बात तो डरना नहीं चाहिए जो भी है, क्योंकि सुना है ना डर के आगे जीते ना, तो सीधा सीधा जैसे हमने करा अभी तक वैसी करो, एक इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लो, पॉइंट है तो क्या है हाँ, लेकिन अगर पॉइंट से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, और खास तौर पर गर्ल्स को तो बहुत लगता है हमने देखा है, क्योंकि हम कॉपी चेक कर देखते हैं क्लास में, तो गर्ल्स पॉइंट आ जाए इक्वेशन में तो बड़ा डर जाती है। तो इस क्वेश्चन को हम बिना पॉइंट के भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो समझिए, तो मैं बिना पॉइंट के कराता हूँ। हमें ये पता है इक्वेशन में बोथ साइड हम सेम नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या सेम नंबर से मल्टीपल कर दें, नॉन जीरो, जीरो नहीं, मैं आपका दोनों तरफ जीरो से मल्टीपल कर, जीरो खिल्टू जीरो ना, नॉन जीरो से मल्टीपल नहीं करेंगे, सेम नंबर हो नॉन जीरो नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं डिवाइड, तो इक्वेशन सेम रहती है, मतलब दोनों के साइड वैल्यू इक्वल रहेगी। तो यहाँ कितने डेसिमल प्लेस है 1, यहाँ कितने डेसिमल प्लेस है 1, जितने डेसिमल प्लेस मैक्सिमम हो 1 के आगे उतने जीरो लगाओ, तो 1 डेसिमल 1 के आगे जीरो यानी 10, कहने का मतलब बोथ साइड 10 से मल्टीपल कर दो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे ना लिख के इसे काट दे रहा हूँ पहले, ठीक है ना, ये या फिर इसको हम क्या लिखेंगे 10 से मल्टीपल करा, तो 0.2 इंटू 10 2 हो गया, तो ये हो गया 2x, 1y का मतलब y, और 10 का यहाँ करा 250, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट ऑफ, लिखना चाहो लिख सकते हो मल्टीप्लाई y, मल्टीप्लाई y 10 बोथ साइड पूरा लिख लेना, शॉर्ट में लिख दिया। सेकंड इक्वेशन में ये था 2x माइनस 2, यहाँ तो कोई डेसिमल प्लेस नहीं, यहाँ 1.6y, तो यहाँ क्या है एक डेसिमल प्लेस है, यानी कि 10 से मल्टीपल यहाँ भी कर दो, करा तो 10 2 जा 20, ये x माइनस 2 माइनस 16y इक्वल टू 1160। अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे भी डरोगे तो फिर तो कहीं ना कहीं मात खाओगे भाई, है ना, डेसिमल से डर तो यहाँ गया 10 से मल्टीपल ये आ गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सॉल्व करके जो भी आएगी इसको हम इक्वेशन सेकंड देंगे, 20 का अंदर मल्टीपल करा 20x, 20 का 2 में करा माइनस 40 माइनस 16y 1160, तो ये हो गया आपका 20x
माइनस 16y, 40 को सामने ट्रांसफर कर दिया लेफ्ट से, लेफ्ट से राइट हैंड साइड, तो प्लस का 40 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 20x माइनस 60y इक्वल टू 1200। इसे और भी हम सॉल्व कर सकते थे लेकिन मैंने करा नहीं। क्या सॉल्व कर सकते थे, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से और डिवाइड कर देते तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 300। इतना तो जानते हो, 9th क्लास में कर दूँ, बोलो। चलिए आपकी मर्जी है, नहीं चाहते तो नहीं, और चाहते हैं तो 4 से डिवाइड करके एक इक्वेशन ले लो सेकेंड। अब हमने क्या बताया था, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में, यहाँ इजीली दिखाई दे रहा वाई की वैल्यू निकलेगी 250 माइनस 2x, तहीं से यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में वाई की वैल्यू को एक्स के टर्म में निकाल लें। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाई किसके इक्वल हो गया, क्यों है भाई 250 और 2x रह जाएगा तो माइनस 2x, तो वाई की वैल्यू हो गई 250 माइनस 2x। इसको डाल दो नई इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने फर्स्ट से निकाली तो वाई की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, सेकंड में। पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, या सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, वी ऑप्टेन लिखो या वी गेट, एक की बात होती है, डी है ना, वी गेट सेकंड ही रहा। 20x माइनस 16 इंटू वाई, और वाई की वैल्यू क्या आई है 250 माइनस 2x, इक्वल में क्या है 1200। देखते हैं क्या निकलते आता है। तो 20x माइनस 16 का मल्टीपल करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 16 0 0, 16 5 80, कैरी 8, 16 2 32 और 840 यानी कि 4000, माइनस माइनस प्लस 16 2 32, 32x 1200। 20x और 32x कितना 52x, 1200 प्लस, इतनी बड़ी संख्या से अगर आपको बचना है तो क्या करोगे आप, यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, इतनी बड़ी संख्या नहीं, 5x माइनस 4y इक्वल टू 300 हो जाएगा, लेकिन इन्होंने डिवाइड नहीं करा था तो ये बड़ी बड़ी संख्या आ गई थोड़ी। तो 52x इक्वल कितना हो गया 5200। ये तो चलो ये 52 से 52 कैंसिल हो गई, डायरेक्ट लिख दूँ x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ निकलाई x की वैल्यू डायरेक्ट 6 6 अराउंड सॉरी, क्या हुआ x वैल्यू 100। अब इस वैल्यू x की वैल्यू को क्या करें, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें तो ये y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो हमने लिख दिया पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट थर्ड इक्वेशन y इक्वल टू 250 माइनस 2x, और x की वैल्यू कितनी है 100, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 250 माइनस 200, 250 में से 200 सबट्रैक्ट करा तो y की वैल्यू आ गई 50। तो क्या आंसर हो गया आपका, x की वैल्यू हो गई 100 और y की वैल्यू आ गई आपकी 50। ओके, तो आज के वीडियो में ये हम चार ही क्वेश्चन रहने देते हैं, मुझे उम्मीद है चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।